हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल। इंडियन इकोनॉमी में आज के लेक्चर में डिस्कस करेंगे थर्ड फाइव ईयर प्लान 1961 to 1966। ओके, लास्ट लेक्चर में हमने सेकंड फाइव ईयर प्लान को डिस्कशन किया था 1956 to 1961 एंड लास्ट टू लास्ट लेक्चर में फर्स्ट फाइव ईयर प्लान डिस्कस किया था 1951 to 1956। ठीक है, इफ आई एम टॉकिंग अबाउट द फाइव ईयर प्लान, so 5 year plan were introduced by the Indian government so that people could make the optimum use of resources, better their living standard. okay, 5 year plan इसीलिए बनाए गए ताकि जो भी resources available हैं उनको proper optimum use कर सकें, formulating proper policy and procedure, formulating strategy and implement that strategy so we can improve every area. ठीक है, हम हर एरिया पे काम कर सकें और उस एरिया को इम्प्रूव कर सकें। और हर फाइव ईयर प्लान में कुछ ना कुछ ऐसे पॉइंट्स या कुछ ऐसे स्टेप्स लिए गए जो एक पर्टिकुलर एरिया के लिए स्पेसिफाई थे। ठीक है, जैसे कि फर्स्ट पे हमने एग्रीकल्चर पे ध्यान दिया, सेकंड में इंडस्ट्रियलाइजेशन पे ध्यान दिया। ठीक है, तो हर फाइव ईयर प्लान में कुछ ऐसा स्पेसिफिक किया गया जिससे एक पर्टिकुलर एरिया पे फोकस करते हुए उसके रिगार्डिंग प्रॉपर प्लानिंग की गई, प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन और उस एरिया में इम्प्रूवमेंट्स किए गए। ठीक है, बेटर रिजल्ट्स भी फाइंड आउट हुए जस्ट बिकॉज ऑफ द प्रॉपर प्लानिंग एंड द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ पॉलिसी। सो नाउ टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट थर्ड फाइव ईयर प्लान 1961 to 1966। सो लेट्स कवर टुडे सेशन। इंडियाज फर्स्ट एंड सेकेंड फाइव ईयर प्लान पेव विद द वे फॉर थर्ड फाइव ईयर प्लान। ठीक है, जैसे जैसे हमने फर्स्ट ऑफ फाइव ईयर प्लान की स्टार्टिंग करी, इंडिया में हुई, फर्स्ट प्लान के कुछ ना कुछ मेजर ऑब्जेक्टिव्स थे और उन ऑब्जेक्टिव्स को हमने स्पेसिफिकली अचीव भी किया इंडिया ने। ठीक है, फिर उसके बाद सेकंड प्लान की स्टार्टिंग हुई 1956 से 1961 में, जिसमें मैन्युफैक्चरिंग और हैवी गुड्स इंडस्ट्रीज पर ज़्यादा ध्यान दिया गया। उसके बाद अब हम थर्ड की डिस्कशन करेंगे, थर्ड फाइव ईयर प्लान। ठीक है, सो लेट्स कवर। नाउ मेजर इवेंट्स, कौन कौन से मेजर इवेंट्स थे यानी कि मेजर पॉइंट्स थे जो कि स्पेसिफाई किए गए थर्ड फाइव ईयर प्लान में, तो ये हैं। इन द थर्ड प्लान द मेजर एम्फेसिस वर गिवन ऑन द एग्रीकल्चर सेक्टर। ठीक है, यानी कि जो थर्ड प्लान में मेजर स्पेसिफाई एरिया डिसाइड किया गया वो एग्रीकल्चर था, यानी कि एग्रीकल्चर पे ध्यान दिया गया। विद द शॉर्ट लिव इनटू द सिंस इंडियन वॉर ऑफ द 1962 इंडिया डाइवर्टेड इट्स अटेंशन टू द सेफ्टी ऑफ द कंट्री। ठीक है, जैसे जैसे ये वॉर की कंडीशन आई देन इंडिया हैज अगेन इंडिया स्पेसिफाई सम एरिया और ये ध्यान दिया गया है कंट्री को किस तरीके से सेफ रखा जा सकता है। सो अगेन ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ 1965 to 1966 ओनिंग टू ग्रीन रिवॉल्यूशन। ठीक है, ग्रीन रिवॉल्यूशन आया, वंस अगेन एग्रीकल्चर अट्रैक्टेड अटेंशन और एग्रीकल्चर पे ध्यान दिया गया। सो अगेन ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ 1965 to 1966 ग्रीन रिवॉल्यूशन स्टार्टेड। ओके, वंस अगेन फोकस ऑन एग्रीकल्चर अट्रैक्टेड अटेंशन। ओके, तो दोबारा से एक बार फिर एग्रीकल्चर पे ध्यान दिया गया ड्यूरिंग द थर्ड फाइव ईयर प्लान पीरियड। थर्ड पॉइंट इज ड्यूरिंग दिस थर्ड फाइव ईयर प्लान प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट इंक्रीज जस्ट बिकॉज ऑफ द इंडो चाइना वॉर। ठीक है, इंडिया चाइना वॉर की वजह से प्रोडक्ट के प्राइस इंक्रीज हो गए और अगेन फिर इन्फ्लेशन की प्रॉब्लम अराइज हुई। ड्यूरिंग दिस पीरियड नेक्स्ट वन इज ड्यूरिंग दिस पीरियड कंस्ट्रक्शन ऑफ हीरापुर डैम, मेटर डैम और भाखड़ा डैम कंप्लीटेड हुआ जो कि फर्स्ट फाइव ईयर प्लान से स्टार्ट हुआ था, तो वो इस प्लान पे आ जाके उनका कंस्ट्रक्शन कंप्लीटेड हुआ। तो ये भी एक मेन मेजर इवेंट्स था थर्ड फाइव ईयर प्लान 1961 से 66 का। ठीक है, आफ्टर दैट नेक्स्ट वन पॉइंट इज वेरियस फर्टिलाइजर प्लांट्स एस्टेब्लिश एंड द सीमेंट प्लांट वर एस्टेब्लिश्ड।
ड्यूरिंग द थर्ड प्लांट बहुत सारे फर्टिलाइजर प्लांट को एस्टेब्लिश किया गया, सीमेंट प्लांट को एस्टेब्लिश किया गया, तो ये भी मेजर इवेंट में आता है। उसके बाद फॉर्मेशन ऑफ स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड, ठीक है, यानी कि ड्यूरिंग थर्ड प्लांट स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड की शुरुआत की गई, उसको फॉर्म किया गया। आफ्टर दैट नेक्स्ट वन इज ड्यूरिंग दिस पीरियड पंचायत इलेक्शन वर स्टार्टेड, ठीक है, तो पंचायत इलेक्शन की स्टार्ट भी थर्ड फाइव ईयर प्लान से ही हुई थी। तो ये सारे पॉइंट नोट डाउन कर लीजिए क्योंकि इस तरीके के पॉइंट ही एग्जाम में पूछे जाते हैं। सो ड्यूरिंग दिस पीरियड पंचायत इलेक्शन वर कमेंस्ड, नेक्स्ट पॉइंट है रोल ऑफ स्टेट्स वर इंक्रीज्ड, ठीक है, यानी कि ड्यूरिंग थर्ड फाइव ईयर प्लान जो राज्य थे इनकी इनका रोल क्या है बढ़ा दिया गया, एंड दे वर गिवन मोर रिस्पॉन्सिबिलिटी, दे वर गिवन मोर रिस्पॉन्सिबिलिटी ताकि वो अपने राज्य में बेटर तरीके से काम कर सकें, इम्प्रूवमेंट कर सकें। रिस्पॉन्सिबिलिटी द स्टेट गवर्नमेंट वर गिविन द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ कंस्ट्रक्टिंग द रोड, द स्टेट गवर्नमेंट वर गिविन द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ कंस्ट्रक्टिंग रोड्स, ठीक है। मैनी प्राइमरी स्कूल्स वर ओपन, तो ड्यूरिंग थर्ड प्लान प्राइमरी स्कूल्स की शुरुआत की गई, मैनी प्राइमरी स्कूल्स हैड स्टार्टेड। नेक्स्ट वन है इम्पार्टिंग एजुकेशन इन रूरल एरियाज, एजुकेशन पे ध्यान दिया गया, रूरल एरियाज पे ध्यान दिया गया। इट इज ऑल्सो मेजर इवेंट ऑफ द थर्ड फाइव ईयर प्लान, वेरियस बॉडीज लुकिंग इन टू द मैटर रिलेटेड टू द सेकेंडरी एजुकेशन वर ऑल्सो फॉर्म्ड। सेकेंडरी एजुकेशन बॉडीज वर ऑल्सो फॉर्म, ठीक है। तो ये सारे क्या थे, मेजर इवेंट्स थे थर्ड फाइव ईयर प्लान के। नाउ ऑब्जेक्टिव्स, क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स थे, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ थर्ड फाइव ईयर प्लान, सो इन एडिशन टू द अबव मेजर्स एंड द प्रपोजल्स, मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ प्लानिंग कमीशन ड्यूरिंग दिस पीरियड मेन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ प्लानिंग कमीशन ड्यूरिंग this period
फर्स्ट वन ऑब्जेक्टिव वाज इंक्रीज नेशनल इनकम बाय 5% पर एनम, इंक्रीज नेशनल इनकम बाय 5% पर एनम। सेकेंड ऑब्जेक्टिव मेकिंग इंडिया सेल्फ रिलायंस, ताकि इंडिया खुद से हर चीज में स्ट्रांग हो जाए, ये मेन ऑब्जेक्टिव था थर्ड फाइव ईयर प्लान का। इन द एवरी एरिया इंडियाज मस्ट बी स्ट्रांग, जैसे मार्केट की डिमांड को सेटिस्फाई करने के लिए हमें गुड्स को इम्पोर्ट करना पड़ता है, तो वही इम्पोर्ट गुड्स हम खुद से प्रोड्यूस करें। इस तरीके से हर एरिया में हमारा स्ट्रेंथ होनी चाहिए, मेकिंग इंडिया सेल्फ रिलायंस बाय इंक्रीजिंग एग्रीकल्चर प्रोडक्शन। इंक्रीजिंग एग्रीकल्चर प्रोडक्शन, सो इंडिया नीड नॉट बी डिपेंड ऑन एक्सपोर्ट फ्रॉम यूएसए टू देयर फूड्स नीड्स, ठीक है, इम्पोर्ट्स सॉरी। रिड्यूसिंग द रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट बाय प्रोवाइडिंग एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी, रिड्यूसिंग द रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है। अनएम्प्लॉयमेंट को भी क्या करा, कम करने का टारगेट रखा गया, जितना ज्यादा इंडस्ट्रियलाइजेशन होगा उतनी ज्यादा एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज बढ़ेंगी। सो एंश्योरिंग दैट पीपल एंजॉय इक्वल राइट्स इन द कंट्री, ताकि लोग इक्वली राइट्स जो हैं वो एंजॉय कर सके, ठीक है। तो ये सारे मेजर ऑब्जेक्टिव्स थे थर्ड फाइव ईयर प्लान के। फर्स्ट था इंक्रीज द नेशनल इनकम, हर साल 5% पर एनम नेशनल इनकम बढ़नी चाहिए, इंडिया सेल्फ रिलायंस होना चाहिए, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन बढ़ाना चाहिए ताकि हमें अपनी फूड्स की डिमांड को फुलफिल करने के लिए किसी अदर कंट्री से फूड को इम्पोर्ट ना करना पड़े, ठीक है। इसी तरीके से हर एरिया हर सेक्टर में इम्प्रूवमेंट होना चाहिए, दैट इज ऑल्सो वेरी बिग ऑब्जेक्टिव ऑफ द इंडिया ड्यूरिंग द थर्ड फाइव ईयर प्लान। रिड्यूसिंग द रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट बाय प्रोवाइडिंग एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज, तो ये भी एक मेजर ऑब्जेक्टिव रखा गया ड्यूरिंग द थर्ड फाइव ईयर प्लान, कि भी लोगों को जॉब अपॉर्चुनिटीज दी जाए ताकि वो जॉब एक पर्टिकुलर पोजीशन पे प्लेस होके अपना लिविंग मिनिमम जो लिविंग स्टैंडर्ड है वो तो मेंटेन कर ही सकें, जैसे कि बेसिक नीड्स क्या है वो फुलफिल होनी चाहिए, ठीक है, और एक मिनिमम स्टैंडर्ड बढ़ना चाहिए। और दास था जितने भी लोग हैं वो अपने राइट्स को एंजॉय करें, ठीक है। तो ये चीज भी एक मेजर ऑब्जेक्टिव की तरह काम कर रही थी ड्यूरिंग द थर्ड फाइव ईयर प्लान, ठीक है। एंश्योरिंग दैट पीपल एंजॉय इक्वल राइट्स इन द कंट्री, सो दीज आर मेजर ऑब्जेक्टिव ऑफ ड्यूरिंग थर्ड फाइव ईयर प्लान 1961 to 1966। ओके स्टूडेंट, थैंक यू वेरी मच। दिस इज ऑल अबाउट थर्ड फाइव ईयर प्लान, यानी कि थर्ड फाइव ईयर प्लान में अगेन एग्रीकल्चर पे ध्यान दिया गया। अगर मेजरली कोई आपसे पूछता है कि थर्ड फाइव ईयर प्लान में किस कौन सा एरिया है जो स्पेशलाइज था, तो थर्ड फाइव ईयर प्लान भी एग्रीकल्चर स्पेशलाइज है, ठीक है। एग्रीकल्चर पे ध्यान दिया गया, ग्रीन रिवॉल्यूशन, न्यू टेक्नोलॉजी, एक तरीके से अटेंशन दी गई एग्रीकल्चर पे, ठीक है। और कुछ मेन इवेंट्स थे, अचीवमेंट्स थी वो, कि जो डैम का कंस्ट्रक्शन हुआ, रोड कंस्ट्रक्शन, स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी को बढ़ा दिया गया ताकि हर स्टेट अपने एरिया में प्रॉपर इम्प्रूवमेंट कर सके, हर सेक्टर में इम्प्रूवमेंट कर सके। रोड ट्रांसपोर्टेशन कंस्ट्रक्शन का काम स्टेट्स को सौंप दिया गया, ठीक है। तो ये सारे कुछ मेजर पॉइंट्स थे ड्यूरिंग द फर्स्ट थर्ड फाइव ईयर प्लान। ओके स्टूडेंट, थैंक यू।